हो कर जायका मिला हो अक्षर ढाईका स्वादों से भरी प्लेट है खुश फैमिली और पेट है फिर जिंदगी तो ग्रेट है वाह क्या टेस्ट 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 है Cooking is a universal necessity, hobby, and a form of relaxation. People in different cultures have different perception of how food should be cooked. Despite the existence of the varied cooking styles, we still struggle when it comes to preparing our daily meals. Why? You don't have to. हम हैं ना आपकी मदद करने के लिए. नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा कपूर. स्वागत है आपका एक ऐसे कुकरी शो में जो स्पेशली डिजाइन किया गया है कुछ इस तरह कि आपके टेस्ट बड्स एलिवेट कर पाए. जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है. वाह क्या टेस्ट है. आपके कुकिंग एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाने के लिए हम एक बार फिर आए हैं इरोस होटल नेहरू प्लेस. एक ऐसा होटल जहाँ पे सारी दुनिया की क्विजींस को सेलिब्रेट किया जाता है. फूड के साथ साथ यहाँ पे 200 से ज्यादा रूम्स हैं, बैंक्वेट हॉल्स हैं एंड सबसे अमेजिंग फैक्ट है इस होटल के बाहर का व्यू. जी हाँ, यहाँ के गेस्ट को मिलता है लोटस टेंपल का डायरेक्ट व्यू. इजंट दैट अमेजिंग? आई नो दैट इज रियली अमेजिंग. तो चलिए इस अमेजिंग होटल के अमेजिंग किचन में चलते हैं. वाह क्या टेस्ट है. दोस्तों, as you can see, हम हमारे किचन में पहुंच चुके हैं. You know what? यहाँ पे फूड की इतनी वैरायटी अवेलेबल है कि आई थिंक यहाँ पे कोई भी गेस्ट आता होगा फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसे अपनी फेवरेट डिश जरूर मिलती होगी. तो हम कौन सी क्विजीन आज ट्राई करने वाले हैं? ये जानने के लिए बुलाते हैं हमारे शेफ को. वेलकम शेफ लॉसेल. हेलो व्यूअर्स. हेलो शर्ता. Hello, Chef. How are you? I'm good, Sharda. How are you? Very fine, very fine. Chef, you know what? Ye chopsticks, dim sum baskets, ingredients dekhke bahut Chinese se feel aa rahi hai. Aisa kyun? Aaj hum puri episode mein Chinese hi banayenge. Seriously, Chef? Yani aaj ka pura show jo hai wo dedicated hai Chinese cuisine ko. Right, Sharda. Perfect. Ye to bahut acha aur bahut yummy sound kar raha hai, Chef. Lekin sabse pehle fun facts dekh lete hain. दोस्तों, क्या आप जानते हैं सोल फिश के एक ग्राम में सिर्फ 1.2 कैलोरीज होती हैं और ये फिश लो एनर्जी डेंस फूड्स में से मानी जाती है. विच मीन्स दैट इसके वेट के हिसाब से इसमें कैलोरीज बहुत कम है. इससे आपका पेट भी भर जाएगा और कैलोरी कंजम्पशन भी लो रहेगी. Wow, isn't this amazing? Well, this is so nice. जितने भी आप लोग डाइट कॉन्शियस लोग हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी फिश है. What's it? बिल्कुल शरदा, बिल्कुल सही बात है. जो फिश जो है रिवर सोर्स है, इट्स कंटेन ऑफ प्रोटीन एंड द विटामिन डी है, जिसके जो हमारी बॉडी के लिए है बहुत ही ज़रूरी है. और इनके एक ख़ास बात यह है, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो हमारे बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए और ब्रेन के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है. सो फिश ये बहुत ही खास फिश है और इसका टेक्निक कैसे बनाना, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट. और मैं देख सकती हूँ कि हम आज सोल फिश ही यूज करने जा रहे हैं. इट मींस जो हमारी रेसिपी है वो सोल फिश पे ही है, इज इट? जी जी जी, बिल्कुल. तो क्या बनाने जा रहे हैं, क्यों ना हम हमारे व्यूअर्स को बताएं शेफ? श्रद्धा, आज हम बनाने जा रहे हैं स्टीम रिवर सोल विद स्पाइसी जिंजर गार्लिक सॉस. वाह क्या टेस्ट है. वाओ शेफ, ये तो बहुत अच्छा साउंड कर रहा है. तो एक काम करते हैं, पहले हम स्टार्ट कर देते हैं बनाना, प्रोसेस के बीच में इस डिश के बारे में जानेंगे. परफेक्ट शरदा. जो डिश के बारे में जो अब मैं जो इंग्रेडिएंट यूज कर रहा हूँ, मैं आई जस्ट टेल यू द व्हाट द इंग्रेडिएंट्स यूज इन दिस फिश. इट्स वेरी सिंपल, ओनली द टू थिंग्स जो मेन जो इसमें जो यूज करे है, फ्राइड जिंजर एंड फ्राइड गार्लिक है. ओके, लेट मी टेल यू द व्हाट द इंग्रेडिएंट्स आई एम यूजिंग फॉर दिस डिश. ये फ्राइड जिंजर है एंड फ्राइड गार्लिक एंड आई एम यूजिंग अ ऑयस्टर सॉस और सम चॉप चिली, शुगर है एंड द विनेगर एंड द सॉल्ट और थोड़ा सा कैरेट और ब्लैक मशरूम है और द गार्निश के लिए हमने बेल पेपर जूलियंस है एंड ब्रॉथ पाउडर है. बिल्कुल शेफ, तो स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी. सो आई विल टेल यू द फर्स्ट टेक्निक, जो हम फिश को कैसे काटेंगे और इसको कैसे प्लेटिंग करेंगे. जो फिले है उसको बीच से जस्ट करी फ्रॉम द मिडल, ऑलराइट,
और जस्ट कट स्लाइस करिए, काटिए आप स्लाइस ऐसे ही। सी शरदा, नॉर्मली क्या होता है कि हमने जो फिश जो स्टीम करेंगे, स्टीम करने के लिए एक तरीका होता है, इसमें हम हल्का सा वी पुट अ ऑयल ऑन द बेस। इससे क्या होता है कि अदरवाइज जब स्टीम होने के बाद इट विल गेट स्टिक ऑन द बेस तो टूट जाते हैं। ठीक है, पुट सम ऑयल। फिश को हम इसको इस तरीके से रखेंगे ताकि जब बेस में भी ना स्टिक करे और उसमें भी ना। फिश का एक फिश रही था, मैंने जब ये कैरेट और जो ब्लैक मशरूम रखा, आप अपने घर में कुकम्बर भी काट के रख सकते, इसके बीच में सपोर्ट के लिए रख सकते और कुछ भी ऐसे सब्जी रख सकते, बट आई विल सजेस्ट यू नॉट टू यूज जिंजर एंड द गार्लिक जो भी। ओके, विल पुट ऑन द बेस ताकि ये भी वही है जब स्टीम होने के बाद ये स्टिक ना हो। ऑल राइट, तो हम फिश के बीच में शिटाके मशरूम्स और कैरेट्स इसलिए रख रहे हैं ताकि फिश आपस में ना स्टिक करे, आपस में ना स्टिक करे और द प्रेजेंटेशन आल्सो लुक्स गुड। यस एक्चुअली, एक ग्लास और रख दीजिए। चलो, द फिश का जो प्लेटिंग है शरदा, ये रेडी है। आई विल मेक अ सॉस। इसकी सॉस थोड़ा अलग से है। यूजुअली जो चाइनीज में जो सॉस होता है वो जो कुकिंग के बेसिस करते हैं ना, ये इसमें ये नहीं है। विल जस्ट मेक अ सॉस, आई विल शो यू। फ्राइड गार्लिक लीजिए, जितना फिश का उतना हिसाब से डाल देंगे हम, और फ्राइड जिंजर, दोनों फ्राइड ही है। एंड मेक श्योर ये इतना ज़्यादा जलाना नहीं चाहिए, इट शुड बी गोल्डन इन कलर जैसे हमने ये बनाया। और हल्का सा शुगर डालिए, शुगर और जो वेजिटेबल ब्रॉथ पाउडर है, दिस इज स्पेशली हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं क्योंकि वी आर नॉट यूजिंग एनी MSG प्रोडक्ट, ये ग्लूटेन MSG फ्री है, ये यूज़ करते हैं। और इसके बाद हम डालेंगे चॉप रेड चिली थोड़ा सा स्पाइसी देने के लिए, और हम डालेंगे विनीगर हल्का सा विनीगर डाल दिया। और अब जब एंड में वी हैव टू मिक्स इट प्रॉपरली, यू हैव टू एड द ऑयस्टर सॉस। This is the main the seasoning which the Chinese, while you are preparing a Chinese का जो fish बनाते हो, इसके लिए बिना oyster sauce को then there will be no the exact taste का। अब मैं इसके sauce के इसके ऊपर डाल दें। ठीक, ये है normally जो steam जो fish करते हैं, what you do As the viewers knows very well, तो जितना भी चाइनीज़ का जो स्टीम करते हैं, एक फिशी स्मेल कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिंजर एंड वो स्प्रिंग अनियन डालते हैं। इस फिश को हम करने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही वो है, फिश का स्मेल ही कम है इसलिए हम यूज़ नहीं करें। तो मैं जो सॉस यूज़ कर रहा हूँ उसमें भी वही है जो स्पाइसी जिंजर गार्लिक सॉस, दोनों ही है तो ज़रूरी नहीं है। अब ये जो ये रेडी है हमने जो, अब इसमें हम स्टीम कर देते हैं। आप जो स्टीम करने के जब टाइम पे, तो मेक श्योर इसकी जो कवर स्टीम बाहर ना निकल जाए। जो सोल फिश विदाउट बोन जो है, इट विल टेक ओनली 3 to 5 minutes। दैट्स इट। और जो होल जो हम स्टीम करेंगे, इट विल टेक 15 to 20 minutes। इट्स डिपेंड ऑन द स्टीमर कौन सा यूज़ कर रहे हो, क्योंकि हम होटल में तो हमारा बड़ा ही होता है, इसीलिए इसको छोटे में रखो। अगर कुकर में करो, इट विल टेक विदाउट फिलेगो, इट विल टेक अराउंड 5 to 6 minutes पक जाएगा। जो फिश जो रेसिपी आज हम बना रहे हैं, स्टीम्ड फिश विद जिंजर गार्लिक सॉस और स्टीम्ड फिश, चाइनीज पीपल जो है दे प्रेफर ईटिंग ऑन ओकेजंस, इज इट? इन द चाइनीज पीपल दे बिलीव स्पेशली ड्यूरिंग द न्यू ईयर्स के जो डिनर में जो है, दे यूज टू ईट अ फिश ऑन द टेबल, दे प्रेफर द फिश ऑन द टेबल बिकॉज दे बिलीव दैट इट्स फॉर द गुड फॉर्चून एंड वेल्थ के लिए, आगे के लिए। ऑलराइट, तो मतलब वो बहुत ऑस्पिशियस मानते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। दैट्स नाइस, गुड टू नो शेफ। शरदा, टिल द टाइम द फिश इज कुक, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू एज वेल एज फॉर द व्यूअर्स। सी व्हेन वी गो टू द होटल्स, व्हेन वी आस्क फॉर द एनी द चाइनीज वेजिटेबल जो भी है, बहुत ही हरा सा दिखते हैं और इट लुक्स वेरी क्रंची एंड वो टेम्पटिंग लगता है, बट हम जब घर में बनाते हैं तब वो ऐसे होते ही नहीं, तो इसके रीज़न क्या है शरदा, आप मुझे बताइए। वाओ शेफ, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। आई एम श्योर मेरे साथ साथ व्यूअर्स भी जरूर जानना चाहेंगे इसका आंसर क्या है, बिकॉज़ इट हैपेंस।
तो शेफ, आई गेस 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, हमारी फिश पक चुकी होगी। चलो देखते हैं, हमारे फिश स्टीम हो गया है। ठीक है, फिश ऑलमोस्ट हो ही गया है। अगर आप हमें श्योर नहीं है फिश अगर पूरी स्टीम हुआ है नहीं हुआ, तो आई विल गिव यू वन मोर टिप्स फॉर दिस। क्या करना है आपको, नाइफ लीजिए और आप नाइफ को फिश में एक बार डिप कर दीजिए। अगर आपको लगे कि ये इसके चिपकेगा नहीं, देन इट मीन्स द फिश इज प्रॉपरली कुक्ड। अगर इट स्टिक ऑन द नाइफ, देन इट मीन्स यू हैव टू स्टीम फॉर अ नेक्स्ट 2 or 3 मिनट्स। ओके, सो श्रद्धा, हमारे फिश जो स्टीम फिश है वो रेडी है। फिश रेडी है, सो आई विल पुट सम गार्निश। स्टीम फिश विद जिंजर गार्लिक सॉस, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कलरफुल के लिए, हम इसमें ये डाल देंगे। श्रद्धा, आप मुझे प्लेट पास करेंगे प्लीज। ओके श्रद्धा, जो स्टीम फिश स्पाइसी जिंजर गार्लिक सॉस रेडी है, आप टेस्ट करते हैं और प्लीज टेल द व्यूअर एज वेल। यस शेफ, डेफिनेटली, यही तो मेरा काम है, अपने व्यूअर्स को बताना कैसी बनी है ये डिश। वाओ शेफ, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, जो हमने जिंजर गार्लिक यूज किया है इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही कलरफुल दिख रही है ये। वाओ, वेरी स्पाइसी शेफ, बहुत ही हॉट है ये, जो आपने फ्राइड जिंजर गार्लिक यूज किया है, बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है उसका, जूसी, बहुत जूसी लग रही है ये फिश। आई वाज थिंकिंग हमने फिश में कुछ भी नहीं ऐड किया है, बहुत ब्लैंड होने वाली है, पर जो ऊपर सॉस हमने इसमें ऐड करी है उससे फिश में बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट टू मिस इट। जल्दी से इसका रीकैप देखिए एंड डोंट मिस एनी स्टेप। वाह, क्या टेस्ट है। स्टीम्ड रिवर सोल स्पाइसी जिंजर गार्लिक सॉस बनाने के लिए सबसे पहले सोल फिश को स्लाइसेस में कट कर लें। एक बोल में ऑयल ब्रश करके फिश स्लाइसेस को अरेंज कर लें और एक बोल में फ्राइड जिंजर, फ्राइड गार्लिक, शुगर, सॉल्ट, विनेगर डालकर मिक्स करें। अब उसमें ऑयस्टर सॉस डाल के सीजनिंग कर लें। स्लाइस्ड फिश के ऊपर जिंजर गार्लिक सॉस स्प्रेड करके स्टीमर में डाल के स्टीम करें। स्टीम्ड फिश को गार्निश करें कलर्ड बेल पेपर्स के साथ और परोस दें। चाइनीज खाने में जो हम गार्लिक इस्तेमाल करते हैं वो एलिफेंट गार्लिक होता है, जो कि कश्मीर से आता है। जिंजर हम नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं। इंडियन कुजीन में हम जो इस्तेमाल करते हैं गार्लिक, वो नॉर्मल गार्लिक होता है। एलिफेंट गार्लिक का जो फ्लेवर है वो काफ़ी देर तक मेंटेन रहता है, गेस्ट की टेबल पर जाने तक गेस्ट कैन फील इट। और जो हमारे शेफ ने अपनी डिश बनाने में जो इस्तेमाल किया, वो फ्राइड गार्लिक भी इस्तेमाल किया, इससे क्या है, डिश में क्रंचीनेस आता है जो टेस्ट को और एनहेंस कर देता है। वाह, क्या टेस्ट है। वेलकम बैक टू योर फेवरेट कुकरी शो जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कच्चा आम जो होता है वो आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है। अगर आपको डायरिया है या इंडिजेशन है तो आप ग्रीन मैंगो के ऊपर हनी और सॉल्ट डाल के खाइए, इट रियली हेल्प्स। अमेजिंग फैक्ट है ना। एक काम करते हैं, शेफ को बोलते हैं अगली सेगमेंट में कुछ कच्चे आम से रिलेटेड ही सिखा दे। लेट्स गो टू द शेफ। वाह क्या टेस्ट है। वेलकम टू द सेकंड सेगमेंट ऑफ वाह क्या टेस्ट है। आज आपके सामने बनाने जा रहा हूँ रॉ मैंगो विद चिली एंड लाइम सैलेड। वाह क्या टेस्ट है। रॉ मैंगो चिली लाइम सैलेड बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, आई जस्ट शो यू द फर्स्ट थिंग, वी नीड अ रॉ मैंगो और आई हैव सम पोमोग्रेनेट, ये जस्ट गार्निश के लिए, दिस इज फॉर द गार्निश। एंड अगेन आई हैव पुदीना है, वो भी एक गार्निश के लिए है। एंड द चिली, रेड चिली डी सीडेड है, ठीक है। एंड आई एम यूजिंग द बेसिक इन्ग्रीडियंट दैट्स ऑलवेज यूज इन द चाइनीज कुजीन इज चिली पेस्ट एंड सम हनी है और जो लेमन, जो होल लेमन है और जो चॉप चिली है, ये चॉप फ्रेश रेड चिली है। और अगेन द गार्निश के लिए बेल पेपर एंड रेड ग्रीन बेल पेपर के चॉप है। अब इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस बनाने के लिए वी कैन टेक द रॉ मैंगो जो है उसको पील कर दीजिए एंड आई विल शो यू।
और आपको पता है मैंगो इज द बेस्ट न्यूट्रिशन फॉर द विटामिन सी एज कम्पेयर. इसमें एक अच्छी सी खास बात यह है, एक मैंगो 35 एप्पल के विटामिन सी के बराबर है एंड इट्स वेरी हेल्पफुल ऑल्सो इन दिस सीजन. सीजन में अगर रॉ मैंगो का आप बहुत ही बढ़िया सा आप सैलेड बना सकते हैं. अगर अल्टरनेट के लिए एट योर होम अगर आपको मैंगो ना मिले बट यू कैन यूज़ अ रॉ पपाया, सेम जो मैं बनाने जा रहा हूँ आप इसी इंग्रेडिएंट से आप यूज़ कर सकते हैं. सो आई विल शो यू हाउ टू कट द मेन थिंग्स इन द चाइनीज इज देयर इज अ फ्यू टेक्निक्स हाउ टू कट द आई मीन एनी इंग्रेडिएंट्स. ओके, जस्ट मेक अ स्लाइस ऑफ द रॉ मैंगो. और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बात ये भी है कि द पीपल आई मीन कुछ लोग ये होते हैं कि वेट लूज करने के इट्स वेरी गुड टू हैव अ रॉ मैंगो. इससे क्या होता है कैलोरी बर्न करने इज द बेस्ट रॉ मैंगो है. और किसी को वो भी होता है जो मॉर्निंग सिकनेस होता है, इसके लिए अगर आप रॉ मैंगो खाइए हर सुबह आपको सिकनेस को आपको फ्रेश हो जाएगा. जस्ट मेक इट श्रेडेड करना, जस्ट मेक इट श्रेडेड फाइनली श्रेडेड, धीरे धीरे काटिए. तो ये देखिए ये इस कटिंग में होना चाहिए. आप ये मिक्सिंग बॉल लीजिए, जस्ट टेक अ मिक्सिंग बॉल एंड देन पुट द श्रेडेड जो मैंगो है उसी में डाल दीजिए. जस्ट पुट ऑल द श्रेडेड दिस वन एंड ऐड द डीसीडेड चिली जो है चिली वो डाल दीजिए, चिली डाल. और अगर मैंगो इफ़ द मैंगो इज टू सावर आई वुड सजेस्ट टू यूज़ अ हनी, हनी हल्का सा हनी लीजिए इसमें. जस्ट प्लीज़ मेक श्योर दैट इफ़ द मैंगो इज स्वीट देन यू डोंट हैव टू ऐड हनी, हनी हनी डाल दिया. अगर इफ़ यू वॉन्ट टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ स्पाइसी चटपटा खाने चाहते हैं घर में देन ऐड अ चिली पेस्ट, इसमें हल्का सा चिली पेस्ट डाल दीजिए. ओके चिली पेस्ट एंड देन ये जो रेड चॉप चिली है ये डाल दीजिए. देन मिक्स इट प्रॉपरली, इसी को मिक्स प्रॉपरली. डू यू रिमेंबर फर्स्ट सेगमेंट में जो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, जो चाइनीज़ ग्रीन है जब हम होटल में खाते हैं तो इट लुक्स वेरी टेम्पटिंग क्रंची होते हैं बट वेन वी कुक इन द होम बट इट नेवर यूज टू बी गेट द सेम. इसमें इसमें क्या रीज़न है, मैं ये है इसके आंसर एग्जैक्ट ये है, व्हाइल वी ब्लांचिंग द वेजिटेबल्स एट द होम हमें ये टेक्निक नहीं पता था कि किस तरीके से जब हम स्ट्रेन करेंगे वाटर को. अब जब होटल में हम क्या करते हैं ब्लांचिंग, जब पानी बॉयल करते ही हम हल्का सा नमक डालते हैं तब वी ऐड द वेजिटेबल. एज सून एज वेजिटेबल्स गेट द बॉयल एंड वी जस्ट स्ट्रेन इट एंड पुट इन द आइस की वाटर, बिल्कुल ठंडे जो आइस के उसी में डालते हैं ताकि जब आइस में जब वेजिटेबल डालते हैं टाइम में इसका कुकिंग का टेम्परेचर कट देता है, इसीलिए जो हमेशा इसका क्रंची और ग्रीन रहता है. नाउ इट्स ऑलमोस्ट रेडी जो रॉ मैंगो एंड चिली लाइम सैलेड. अब जो लाइम जो है लास्ट में ऐड करना है क्योंकि पहले नहीं ऐड कर सकते हैं. ठीक है, देन आई हैव अदर लेमन जूस फिर से डाल दीजिए. इट्स ऑलमोस्ट रेडी नाउ. ठीक है, सो दिस इज नाउ रेडी. नाउ आई जस्ट पुट प्लेट. हम होटल में क्या करते हैं बेसिकली हम लोग वी आर यूजिंग अ बैम्बू लीव यूज़ करते हैं. अब घर में आप लोग क्या कर सकते हैं स्पिनिच को हल्का सा ब्लांच करके बेस में रखो ताकि मैंगो का जो कलर है वो भी थोड़ा येलो सा है, इसके अगर बेस में ग्रीन रहेगा तो कलर कॉम्बिनेशन रहेगा देन इट्स प्रेजेंटेबल. खाना बनाने के उससे नहीं होगा बट यू नीड टू बी प्रेजेंट वेरी वेल. सो ये हम यहाँ पे बैम्बू लीव डाल दिया. सो आई जस्ट पुट द रॉ मैंगो इन चिली लाइम सैलेड, जस्ट पुट इन बिटवीन. उसके ऊपर गार्निश के लिए हमारे पास मिंट है, हल्का सा मिंट लीफ, हल्का सा मिंट लीफ और थोड़ा सा अनार. जस्ट लुक इट अ मोर टेम्पटिंग सर, अनार का साइड में डाल दीजिए. और अगर कलर कॉम्बिनेशन लीजिए बेल पेपर और ये श्रेडेड वाला साइड में डाल दीजिए. ये है, हियर द डिश इज रेडी, रॉ मैंगो एंड चिली लाइम सैलेड. आई एम श्योर यू मस्ट ट्राई एट द होम एंड जस्ट गिव अस अ फीडबैक. वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है.
चिली एंड लाइम रॉ मैंगो सैलेड बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में स्लाइस्ड कच्चे आम को डालें और उसमें डीसीडेड चिली, हनी, चिली पेस्ट, चॉप्ड चिली और लेमन जूस डालकर मिक्स करें। चिली एंड लाइम रॉ मैंगो सैलेड रेडी है। अनार और मिंट लीफ से गार्निश करके बैम्बू लीफ पे डालकर परोसें। वाह, क्या टेस्ट है। चाइनीज में हम चिल्ली जो है एक पेस्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। रेड चिल्ली को हम होल नाइट वार्म वाटर में सोक करते हैं, नेक्स्ट डे उसको हम पेस्ट बना के और ऑयल के साथ कुक करके रखते हैं ताकि उसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। इसको हम इंडियन कुजीन में पाउडर के रूप में इस्तेमाल करते हैं और क्योंकि चाइनीज़ कुजीन एक बहुत ही मतलब उसी वक्त खाना बनता है, उसमें आप अपना क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं चिल्ली पेस्ट का अगर आपको स्पाइसी खाना चाहिए। बाकी ये सोक करने के बाद ज्यादा स्पाइसी नहीं रहता है। वाह, क्या टेस्ट है। Well, हमें तो इन डिशेस को बनाने के तरीके को सीखकर बहुत मजा आया। इरोस होटल के टैलेंटेड शेफ्स के साथ काम करने की बात ही अलग है। लेकिन क्या आपको मजा आया इन टेक्निक्स को सीखने का? क्या कुछ ऐसा सीखा जो अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स के आगे शो ऑफ कर सके? वेल, अगर ऐसा कुछ है तो अपने थॉट्स हमें मेल करें। हमारा मेल आईडी है wahkyataste@gmail.com। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। मैं तो चली अपने कुकिंग स्किल्स टेस्ट करने। आप भी यही करिए और देखते रहिए डीडी नेशनल। नमस्कार। वाह क्या टेस्ट है।